सत्यदेव कटारे जी के पास चलूंगा। गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में कटारे जी, गृह मंत्री रहते हुए आपने भी क्या पॉलिटिकल लीडर्स के फोन टेप कराए हैं कभी? नहीं दीपक जी, फोन टेप तो नहीं करवाए थे, लेकिन जो डिपार्टमेंट रहता है, एक्चुअली मुझे मिनिस्टर लेवल पे डिसीजन होता ही नहीं है, जो डिपार्टमेंट रहता है, जो एजेंसियां रहती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी रहती है, टेलीफोन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और शिंदे जी ने जो आज बयान दिया, बड़ी स्पष्ट चीज है, तीन बातें हैं इसमें, कॉल डिटेल लेना, टेलीफोन को ऑब्जर्वेशन में रखना और टेलीफोन टेप होना। आरोप लग रहा है टेप होने का, लेकिन फोन ऑब्जर्वेशन में चलते रहते हैं और ये ऑब्जर्वेशन कोई पर्टिकुलर नहीं कि इन्हीं के फोन पे जाएं, किसी किसी फोन को भी चले जा रहे, रैंडमली होते रहते कई बार। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, उस समय जब हम गृहमंत्री थे तब तो मोबाइल भी मध्य प्रदेश में नहीं था, अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके पास ही इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ऐसे हैं कि वहां टेप हो जाते हैं। और प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां जो हैं इनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यूज करते हैं और प्राइवेट लोग भी यूज करते हैं। ये बात बहुत सही बोली अमर सिंह जी ने और यही शिंदे जी ने कह रहे हैं और इसका सारा निचोड़ यही निकल रहा है कि अनुराग जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, ये जांच से स्पष्ट होना चाहिए। नजमा जी का बीजेपी का आरोप सही है, जब तक सरकार पर आरोप नहीं लगाएंगे तब तक मामला सनसनीखेज कैसे बनेगा। सवाल ये है यदि बीजेपी जिसके नाम से जांच से संतुष्ट हो, अगर चाहे तो बीजेपी जुडिशियल कमीशन बनवा ले, अगर चाहे बीजेपी तो पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम दे दे उससे जांच हो जाएगी, अन्यथा जो शिंदे जी ने बताया है कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और फैक्ट के साथ गवर्नमेंट इसमें सामने आएगी कि ये टेप हुआ था, कि कॉल डिटेल लिए गए थे, कि ऑब्जर्वेशन में था और ये था तो इसके पीछे कौन था, सुधांशु मित्तल का इसमें क्या एंगल है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा जांच के बाद। अब